फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गोली और गोलीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं अपने किचन में कोरिया की बहुत ज्यादा फेमस डिश बनाने वाली हूँ, जिसका नाम है कोरियन स्टाइल रेमन नूडल सूप। और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, कैलोरी वाइज बहुत ही कम है, इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं और इतने ही नहीं गाइस, इसे बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और जल्दी से इसे बना करके तैयार कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोरियन स्टाइल रमन नूडल सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन स्टॉक बनाएंगे। तो चिकन स्टॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी लगभग 250 ग्राम्स के करीब चिकन। हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें 2 से 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। सूप को थोड़ा सा टेस्टफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। हमने यहाँ पे खड़े गार्लिक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो या क्रश करके भी आप डाल सकते हो। और साथ ही में मैं यहाँ पे लगभग 1 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ 4 से 5 मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। हमेशा जब भी आप चिकन स्टॉक बनाइए आप इसमें जिंजर गार्लिक और ऑनियन ज़रूर ऐड करिए। मैं यहाँ पे अनियन बाद में यूज़ करूँगी। और साथ ही में मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिली लगभग 3 से 4, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी नमक को कर सकते हो। मार्केट में चिकन स्टॉक्स के क्यूब्स मिलते हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उसमें प्रिजर्वेटिव होने के कारण मैं यहाँ पे घर पे ही चिकन स्टॉक बनाती हूँ। अगर आप वेज चिकन स्टॉक बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए। तो आइए मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसे लगभग 1 से 2 सीटी आने तक पका लेती हूँ। अगर आपको मसालों को रखने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप उसे एक ही डब्बे में भर करके रखते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पाइस रैक। ये स्पाइस रैक इतना ब्यूटीफुल और इतना क्यूट है कि आप इसे कहीं भी असेंबल कर सकते हैं, चाहे आपका किचन छोटा हो चाहे बड़ा हो, और आप चाहें तो इसे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं। और मसालों को यूज़ करने के बाद डब्बों को आप डायरेक्टली रैक के अंदर डाल सकते हैं और आप इस तरीके से इसे स्लाइड भी कर सकते हैं और इसे इस तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे मसाले या फिर जो मसाले पीछे रखे हों उन्हें निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं इस तरीके से स्पाइस रैक खरीदने के लिए, तो आप इसे richkitch.co.in पे इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इन्हें परचेस कर लीजिए। और अगर आप मेरे लिंक से परचेस करते हैं तो आपको 5% की और डिस्काउंट मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ सब्जियां ली है और उन्हें अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और अब मैं इन सब्जियों को फटाफट कट कर लेती हूँ। सारी सब्जियों को हम लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे ताकि खाने के साथ साथ दिखने में भी ये सुंदर दिखे। यहाँ पे मैंने बेसिक सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली, बेबी कॉर्न या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बेल पेपर्स को मैंने अच्छे से लंबे लंबे पीसेस में कट किया है, साथ ही में मैंने बीन्स को कट किया है और थोड़ा सा कैरेट लिया है। तो अब मैं यहाँ पे अनियन को भी इसी प्रकार से कट कर लेती हूँ। हम यहाँ पे स्प्रिंग अनियन और नॉर्मल अनियन दोनों को कट करेंगे। सब्जियों को कट करने के बाद हमें इसे हल्का सा सौते करना है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें ऐड करूँगी लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। आप यहाँ पे बटर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद सबसे पहले हम हल्का सा बेल पेपर को रोस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक तरफ रेड वाला, ग्रीन वाला, उसके बाद येलो वाले बेल पेपर्स को रखेंगे। और अब मैं इस बेल पेपर को हल्का सा रोस्ट करूँगी, तो फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई किया है और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और हल्का सा मैं इसके ऊपर काले मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसे हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, एकदम चुटकी भर हम इस पर नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें नमक ऐड नहीं करना है। और फिर से मैं इन्हें हल्का सा मिक्स करते हुए पकाऊंगी। आप चाहें तो सभी बेल पेपर्स को मिक्स भी कर सकते हैं। सो फाइनली कलरफुल शिमला मिर्च हमारे तैयार हो गए हैं, तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप शिमला मिर्च या सब्जियों को पकाए हम इसे ओवर कुक नहीं करना है, हम इसे हल्का सा कच्चा ही रखेंगे। और साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि चिकन स्टॉक भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें जितने भी चिकन के खड़े पीसेस हैं या फिर जो भी हमने इसमें जिंजर गार्लिक और चिली डाला है, सभी को मैं निकाल करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन स्टॉक हमारा रेडी है और अब मैं इसमें कुछ ग्रीन वेजेस ऐड कर देती हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले कैरेट ऐड करूँगी, जिन्हें मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, और साथ ही मैं इसमें बीन्स भी ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ अनियन। अनियन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सोया सॉस लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब। आप यहाँ पे चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल करके मुझे इसे 2 से 3 अच्छी उबाल आने तक पका लेना है।
थोड़ा सा इसमें मैं बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर देती हूँ। सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे और जब तक सब्जी हमारी पक रही है तब तक जल्दी से मैं चिकन को चेक कर लेती हूँ। चिकन स्टॉक बनाने के लिए जो हमने चिकन का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो इसे रेमन सूप में यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका एक एक जो रेसा है उसे हमें अलग करना होगा, यानी जो इसके लेयर्स हमें अलग करना है। तो मैं इसे फोक के सारे इस प्रकार से अलग करूँगी। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हमें इसे अलग करना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में लगभग 1 से 2 ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ये बारीक हो जाता है तो हमें इसका लंबा लंबा रेसा चाहिए, तो इसलिए सबसे बेस्ट है फोक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन्स के सारे लेयर्स को मैंने निकाल दिया है। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ और चेक कर लेती हूँ हमारा सूप रेडी है कि नहीं। और ये लीजिए, रेमन सूप हमारा रेडी हो चुका है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ, तो हल्का सा मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर दूंगी और सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब मैं जल्दी से नूडल्स तैयार कर लेती हूँ। नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ये कढ़ाई में लगभग 2 से 3 कप के करीब पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसमें एक एक करके इस नूडल्स को डालूंगी। आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड के नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप होममेड नूडल्स बनाना चाहते हैं और इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो अब मैं इस नूडल्स को ढक देती हूँ और ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी उबाल आने तक पका लूंगी। एक बात का ध्यान रखिए, नूडल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना है वरना नूडल्स चिपचिपे हो जाएंगे। एक तरफ से नूडल्स हमारे पक गए हैं तो इसी प्रकार से मैं इसे फिर से ढक करके 1 मिनट के लिए पका लूंगी। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि नूडल्स रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल करके इसे स्ट्रेनर में रख देती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी चिपचिपे ना हो। रमन नूडल सूप की लास्ट प्रिपरेशन होने जा रही है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इस पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, एकदम थोड़ा सा। ऑयल डालने के बाद मैं इस पर एक एग तोड़ करके डाल दूंगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। साइड में स्पेस है तो मैं यहाँ पे एक और एग तोड़ करके डाल देती हूँ। एग डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा हम इस पर काले मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब मैं इस एग को ढक करके स्लो फ्लेम पे 1/2 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो अब हम जल्दी से इस बोल में रमन नूडल्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे नूडल्स और अब हम इसमें रमन सूप ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे कोरियन स्टाइल जो रमन नूडल सूप बनाया है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही कम ऑयल में हमने इसे बनाया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। नूडल्स के ऊपर रेमन सूप डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से चिकन के पीसेस रख दूंगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और साइड में मैं वेजीज को भी डालती जाऊंगी। सारे कलरफुल शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर एग डाल दूंगी और साइड में मैं इसके स्प्रिंकल कर दूंगी स्प्रिंग आनियन। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, अगर आप रेमन सूप को और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से मैगी मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए, एग के ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर दिया है। सो फाइनली आप देख सकते हैं कोरियन स्टाइल रेमन नूडल सूप हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आपने देखा, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही कम कैलोरी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आप भी गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप देखते रहिए गोल्डिस किचन। बाय बाय।